हे भगवान, मेरी मॉम और डैड को एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ देना। हे गोविंद, मेरे बेटे और बहू को इस घर से अलग मत होने देना। हे कान्हा जी, आज मैं जो आपसे मांग रहा हूं मैं उसे पूरे दिल से चाहता हूं। प्लीज मेरी विश पूरी कर देना। हमारी छोटी सी फैमिली में एक छोटा सा मेहमान भेज दो। मेरे दीदी और जीजू को मॉम डैड बना दो। राज, तुम ये मांगना चाहते थे? हाँ, क्यों, तुम्हें क्या लगा? सबको लगा लेना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये राज कहाँ चला गया? शायद बाहर गार्डन में होगा। ये राज यहाँ भी नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ? और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अब प्रसाद देने के लिए। लो। रुक सी गई धड़कन, पल भी क्यों थम सा गया। तुम्हारे हाथों से प्रसाद का टेस्ट अलग ही हो गया है। थैंक यू। अब वैसे तुम मुझे क्या ढूंढ रहे थे? ऐसी तुम नहीं होती हो ना, तो मुझे बेचैनी होती है। राज, तुम भी ना, मुझे अभी ये सब बातें नहीं करनी। अवनी, मैं तुम्हें टीका लगाने आया था, वो तो कर सकता हूं ना मैं? मैं साफ कर देता हूँ। हेलो, तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी ना? तुम्हें कैसे पता? I mean, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही। झूठ मत बोलो। तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? कि जब तुम ऐसा करती हो नजरें चुराती हो, लेकिन अभी तुम खुद को छुपा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। अवनी, प्लीज डोंट फील शाय। महाराजा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं प्लीज अवनी, एक बार बाहर आ जाओ। वो रोली अभी भी वही लगी है या तुमने साफ कर दी? अभी भी है। मैं उसे देख नहीं पा रहा। जब नीचे आऊंगी तब देख लेना, मैं उसे साफ नहीं करूंगी।
आज नहीं तो कल से साफ करना ही होगा ना, फिर वो रोली उतर जाएगी। वांग से सिर्फ रोली जाएगी पर उसका रंग दिल में तो रहेगा ना। और सुपेश साहब, आपकी फैमिली की चैरिटी से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप अपने ही अनाथ आश्रम के कामकाज को देखे बिना वहाँ के बच्चों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग अनाथ आश्रम को देख रहे हैं तो मुझे इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? ये अनाथ आश्रम मेरी माँ के नाम से, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जिसे मैं जिंदगी भर पूरा करता रहूँ। भगवान करे कि आप ही के तरह आपके बेटे भी इस नेक रास्ते पे चले। सांवली, तुम इनसे कोई बात करना चाहती थी ना? हाँ। क्या बात है सांवली? भैया, वो मैंने सोचा है कि हमारे अनाथ आश्रम से मैं एक बच्चा गोद ले लूं। वाह सांवली, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। तुम बच्चा गोद ले लोगी तो तुम माँ बन जाओगी और मैं मामा। जिंदगी में बस एक यही तो रिश्ता है जिसे मैं बहुत मिस करता हूँ। भैया, फिर इस बात के लिए तो आपको आपको भाभी को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। हैप्पी बर्थडे डैड। हैप्पी बर्थडे पापा। शादी से पहले अर्पिता का रिश्ता किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ था। बहन जी, ये लीजिए। खाना तो अर्पिता ने बनाया है तो मंदिर में चढ़ाई हुई भेंट मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? इसकी क्या जरूरत है? बहन जी, हम गरीबों की भेंट की कीमत कम होती है पर उसमें दुआएं बहुत ज्यादा होती है। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर ये क्यों नहीं ले रही हैं आप? हाँ भाभी, रख लो ना। आपने इतनी सुबह उठ के इतनी मेहनत से सारा खाना बनाया है, उसके बदले आपको इतने प्यार से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ले लो ना। मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि खाना मैंने नहीं बनाया। क्या कह रही भावना, खाना आपने नहीं बनाया? मतलब वो मैं आज सुबह काफी लेट उठी थी, जब मैं किचन में गई तो खाना बना हुआ था। What do you mean, खाना पहले से बना हुआ था? खाना किसने बनाया? भावना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये खाना किसने बनाया? अब नहीं, ये खाना तुमने बनाया? केत जी, जो गरीबों को प्रेम से अन्न खिलाते हैं भगवान उन्हें हमेशा संपन्न रखते हैं। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस आशीर्वाद पर मेरा हक नहीं, जो इसका असली हकदार है आप ही आशीर्वाद उन्हें दीजिए।
भगवान आपके परिवार में हमेशा शांति बनाए रखे और हमेशा आपको सुखी रखे। सुकेत जी, अच्छा तो अब हम चलते हैं। आई की जरूरत नहीं है, ये खाना मैंने आपकी खुशी के लिए बनाया, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। खाना कितने लोगों के लिए बना है? 40 लोगों का। 40? राज जी, अगर ये खाना मैं तुमसे बनवाता तो पर पर्सन क्या कॉस्ट आती? चार सब्जी, एक दाल, बूंदी रायता और खीर। सर अगर ये खाना हम बनाते तो कम से कम 100 रुपए प्रॉफिट आता। 40 लोग 100 रुपए, 4000 रुपए। भावना, आप जब भी महाराज को बुलाती हैं खाना बनाने के लिए तो वो कितना चार्ज करते हैं? 5000 रुपए। 4000 खाने के और 5000 बनाने के, 9000। ये लो, अगर हम ये खाना बाहर से मंगवाते या बनवाते तो हमें इतने ही पैसे खर्च करने होते। ये काम तुमने किया है, तुम रख लो। I said take the money। याद रहे, ये पैसे तुम्हारे कर्म के नहीं, तुम्हारे काम के, और गलती से भी इसे मेरा आशीर्वाद समझने की भूल मत करना। छोटा मत करो बेटा, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी ना। मुझे तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सुकेत भाई साहब की जिद के आगे सब पलट गया। सब ठीक नहीं हुआ, पर सब बुरा भी तो नहीं हुआ। What are you saying, Raj? अच्छा कुछ भी हुआ, उसमें अच्छा क्या हुआ? एक बात तो ये अच्छी हुई कि सुकेत को अर्पिता और अक्षत की कोशिश नजर आने लगी, और दूसरी अच्छी बात ये है कि कम से कम सुकेत अंकल ने अर्पिता से बात तो की, गुस्से में ही सही, भेद दिलवाने से लेके पैसा देने तक अंकल अर्पिता से बात कर रहे थे। और फिर हमें दीवार पिटर का डायलॉग भूलना नहीं चाहिए, जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन से कहते हैं, माँ प्रसाद समझ के दे रही है तो मिठाई समझ के खा लो। तो तुम्हारा मतलब ये है जो सुकेत भाईसा ने पैसे सर्विस समझ के दिए वो अर्पिता ने नेक समझ के रख लिए। You're right, Raj. आज दो अच्छी बातें तो हुई। Exactly. और इन्हीं दो बातों को देख के हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, और ओम शांति ओम का डायलॉग याद रखना चाहिए, जिसमें शाहरुख खान कहता है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। भूल तो तुम्हें कोई नहीं सकता, तुम्हारा ये जोश और तुम्हारी ये कभी ना हार मानने वाली सोच, यही तो तुम्हारी खासियत है राज। और तुम इतने जिंदा दिल हो कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। जी, और आज सुबह मेरे साथ कुछ राधे राधे भावना जी, आज सुकेत जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करने में राधे गोविंद जी के मंदिर गया और साथ में प्रसाद और मौली लेकर आया। भावना जी, ये टीका और मौली आप सुकेत जी के लिए रख लीजिए, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। और भावना जी, रीति के अनुसार घर के सारे पुरुषों को भोग भोजन के लिए बुला लीजिए, क्योंकि उसके बाद
घर की सारी स्त्रियां अपने पति की थाली में ही भोजन करेगी। नमस्ते शास्त्री। शास्त्री जी, वो मौली। आप दोनों को मौली चाहिए? लगता है आप दोनों ने किसी खास बात के लिए मन्नत रखी है। वो जशन जी और मैं ना अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो करने जा रहे जिसका हमें सालों से इंतजार था। मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ नया होने का इंतजार कर रही हूँ, बस उसी के लिए मन्नत मांगी। ठीक है, मैं आप दोनों को ये मौली बांध देता हूँ। लाइए, हाथ बढ़ाइए। मैं पूजा की तैयारी कर लेता। तो किस चीज की शुरुआत हो रही है? अब आपसे क्या छुपाना, एक्चुअली हम एक बच्चा गोद लेने की सोच रहे। क्या? अरे वाह, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। सच? हाँ, बस एक बच्चे की कमी है मेरे और प्रताप जी की लाइफ में, इसलिए मैंने सोचा है कि मेरे माँ के नाम पे जो अनाथ आश्रम है ना, वहीं से एक बच्चा गोद ले लूंगी। मुझे तो लगता है तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। हम दोनों साथ में चलेंगे। हाँ, हम लोगों ने तो सब कुछ किस्मत पे छोड़ रखा है। जहाँ से भी बुलावा आ जाएगा वहाँ चले जाएंगे। फिर तो सब जो बुलावा हमारे यहाँ से ही आएगा। अरे तुम वही जाना, और पेपर वर्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियली रियली थैंक यू सो मच। सब लोग खाना खा रहे हैं, तुम भी खा लो। मुझे नहीं खाना। बोलते हैं अक्षर, भूखा खाना रिवाज है। रिवाज? रिवाज तो ये भी है अर्पिता कि घर के सारे जेंट्स मिलकर खाना खाएं, लेकिन क्या ऐसा हुआ? रिवाज तो ये भी है कि सब लोग मिलकर प्रे करें, लेकिन क्या ऐसा हमने किया? नहीं, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन क्या हमें माफी मिली? हमने माफी मांगी, अपनी गलती मानी। मैं बीमार हुआ, तुमने इतनी सुबह उठकर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया, लेकिन हमें क्या मिला? What did we get? Just humiliation. जब जब हमने उनसे अच्छाई की उम्मीद की, हमें बुराई ही मिली। I know my dad और पिता, वो अपनी जिद के आगे कभी नहीं झुकेंगे। और जैसा तुम सोच रही हो, वैसा कभी नहीं होगा। होगा? For God's sake, अर्पिता, कम से कम तुम तो ये जिद करना छोड़ दो। ये मेरी जिद नहीं, मेरी होप है। अक्षय जो हमसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी नाराजगी भी हमारे लिए हद से बढ़कर होती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि जो हमसे रूठ जाते हैं उनसे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। वो हमसे नाराज है और हमें उन्हें मनाना है, that's it. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह जाने से तुम मुझे मिल गए, हमें हमारे मम्मी पापा का प्यार भी मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला अर्पिता, और मुझे लगता है कि हमने जो डिसीजन उस दिन लिया था वो हमें वक्त से पहले ही करना होगा। अक्षत, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, फैमिली को वापस पाने के लिए तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। रिवाज तो ये भी है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें से थोड़ा खाना हमें हमारी वाइफ के लिए छोड़ना पड़ेगा। वाइफ को हस्बैंड की जुड़ी थाली में से खाना होता है और जुड़ी ग्लास में से पानी पीना होता है। और काका, इसमें से राज की, ये किसके बेटा? ये बाबूजी की और राज की। इसमें बाबूजी की कौन सी और राज की कौन सी है? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी प्लेट कौन सी है? अच्छा कोई बात नहीं, आप वहाँ देख लीजिए कुछ चाहिए कि नहीं, ये प्लेट मैं रख दूंगी। जी। सब लोग तो बाहर एक साथ भूख खा रहे हैं और तुम्हें अकेले अंदर खा रही हो, वो भी इन यूज प्लेट्स में से। वो बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हाँ वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन यूज प्लेट्स? और ईशा तो मेरी प्लेट है। हाँ एक मिनट, ये तो मेरी प्लेट है, लेकिन अम्मी तुम तो मेरी झूठी प्लेट में से खाना क्यों खा रही थी? Tell me. It's not a big deal, राज, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं जब किचन में आई तो मुझे जो प्लेट सामने दिखी मैंने उसमें से खा लिया, ये सोच के कि सब तो अपने ही है। So what? It's okay, please. लेकिन अवनी ये राज प्लीज, मेरे पास अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं, और वैसे भी अभी शांति पाठ शुरू होने वाला और बहुत सारे
भावना जी, कब से देख रहा हूँ कि पूजा का सारा कामकाज अवनी बिटिया अकेले अपने हाथों से कर रही है। बड़ी अच्छी बात। पर पूजा संपन्न होने के बाद अवनी बिटिया को न केवल गौ माता के पास विशेष प्रसाद लेकर जाना होगा, पर अपने ही हाथों से प्रसाद खिलाना होगा। जी, जैसा आप कहें। चलिए पूजा शुरू करते। अरे अक्षत बेटे, अर्पिता बेटे, आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? आइए, पूजा शुरू हो रही है। शास्त्री जी, इसमें हमारे परिवार के उन सदस्यों के नाम है जिनके नाम से शांति पाठ होगा। सुकेत जी, इसमें अक्षत बेटे और अर्पिता बहू का तो नाम ही नहीं है। भाई साहब शायद लिखना भूल गए हो, मैं लिख देता हूं। दीजिए। नहीं, गलती से नहीं, ये नाम मैंने जानबूझकर इसमें नहीं लिखे। लेकिन पापा, शांति पाठ तो घर के सारे मेंबर्स के लिए होता है। हाँ, लेकिन जिनके कारण इस घर में अशांति है उन्हें इस पाठ में शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर किसी को भी मेरे इस फैसले से एतराज हो तो इसी वक्त इस शांति पाठ से उठकर जा सकता है। मुझे एतराज। हर बात पर मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस घर का बड़ा हूं, पर जब जिस घर की दीवारें मैंने अपने हाथों से खड़ी की हूं वही आपस में टकराने लगे तो घर को संभालने के लिए मुझे खुद आगे बढ़ना होगा। मन अशांत हो तो घर में शांति पाठ करने से कुछ नहीं हो सके। सुख शांति के लिए अपने मन को शांत करना होता है। अक्षत मेरा पोता है और अर्पिता मेरी बहू। पहले जो इन्होंने किया वो इनकी भूल थी, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं वो इनके संस्कार हैं जो हम ही ने दिए। कि रूठे हुए को कैसे मनाया जाए, अपनी गलती को कैसे सुधारा जाए, ये कितने दिनों से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते ना देखना चाहते। सुकेत बेटा, अपनी नाराजगी को नफरत में मत बदल ले, क्योंकि जो रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है उन्हें इंसान भी तोड़ नहीं सकता। फिर भले ही वो बाप बेटे का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, अक्षत इस घर का वारिस है और अर्पिता उसकी धर्म पत्नी, उन्हें इस शांति पाठ में बैठने का पूरा हक है बेटा, अधिकार। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाने की नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी ये भी होती है कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। और अब ये जिम्मेदारी क्या, गिफ्ट लेने देने की कोई उम्र होती है क्या? ये ले, ये तेरा जन्मदिन का तोहफा। जीते रहो, खुश रहो, हैप्पी बर्थडे। तू कितने ही बड़ा हो जाए सुकेत, मेरे लिए तो वो बचपन वाला ही सुकेत रहेगा। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा, ये फ्रेम मेरी तरफ से, हमारे फैमिली फोटोग्राफ का कोलाज। थैंक यू सुकेत भैया, ये मेरी और प्रताप जी की तरफ से, प्रताप जी ने इसे खुद बनाया है। Wish you a very happy birthday, Priya. Thank you very much. Thank you. Happy birthday, Dad. Thank you. अक्षत ने बताया कि ऑफिस में कभी कभार एसी की वजह से आपको कोल्ड हो जाता है, इसलिए हमने सोचा कि शॉल। अरे बेटा, इतना टाइम लगाएगी तो सुकेत का बर्थडे निकल जाएगा। आजा।
समझना मुझे उनके प्यार को नहीं देखने उनकी कोशिश है। दिस नॉट समथिंग आई कैन डील विद। हमारे ना समझने से या ना देखने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। सच तो यही है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी माफी के लिए ही है ना। सवाल उन्हें माफ करने का नहीं है भावना, सवाल है घर की परंपरा को कायम रखने, सवाल है इस फैमिली के डिसिप्लिन को बनाए रखने का। और अगर आज मैं उन्हें माफ कर दूंगा वो तो यही सोचेंगे कि फैमिली से झूठ बोलना इज नॉट अ बिग इशू, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन नहीं, मैं उन्हें ऐसा सोचने भी नहीं दूंगा। देखिए घर के जो हालात है कब तक चलेंगे, अब तो घर के बड़े भी एक एक करके आपके फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पहले प्रताप जी ने आपके खिलाफ अपनी बात रखी, फिर बाबू जी ने, ऐसा कब तक चलेगा। आप देख ही रहे ना कि घर का माहौल कितना बिगड़ता जा रहा है, रिश्ते उलझते ही जा रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है फिर भी आप खुश नहीं है। भावना, मेरी खुशी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन लोगों ने हमसे झूठ बोलकर लव मैरिज की। और अगर आज मैं इन्हें माफ कर देता हूँ तो हो सकता है कि एक दिन आभास भी हमसे आकर यही कहे। और आभास क्यों, हो सकता है एक दिन अवनी भी आकर हमसे कहे कि मुझे भी लव मैरिज करना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इन लोगों की तरह झूठ बोलकर लव मैरिज कर ले। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं। मोटिव तो अर्पिता भाभी बहुत है, मुझे चीयर अप करने में, अक्षय भैया को मोटिवेट करने में। और ये ले, मिल गया अवनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुझे पता है अगर आज ये नहीं मिलती ना तो पता नहीं क्या होता। ये मेरी मॉम की ट्रेडिशनल गोल्ड इयररिंग्स थी। यू आर माय लाइफ सेवर। वैसे ये टाइटल ना राज के लिए रिजर्व्ड है। कभी कभी हम दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं, बट सीरियसली उसने मेरी जान काफी बार बचाई है। हाँ, और तेरी जान बचाने के बदले उसने तेरा दिल चुरा लिया। तूने उसे बताया या नहीं? इसलिए देवी का तू जानती है ना फैमिली सिचुएशंस के बारे में, अगर सबको पता चल गया तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अभी जो मिलते हैं फिर मिल भी नहीं पाएंगे। मतलब तेरे दिल की बात हमेशा तेरे दिल में रहेगी। मुझे डर लगता है देवी का, ये सोचते ही मेरी हार्ट बीट फास्ट होने लगती। आई नो दैट राज इज अ वंडरफुल गाय, ही सो लव, ही सो केयर, उसके जैसा और कोई नहीं। यू नो जब वो मेरे साथ होता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और जब वो नहीं होता तो मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। बोल दो अवनी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। टेल देविका डैड यू लव मी। मुझे बस एक बार सुनना है अवनी, प्लीज। अगर मेरा बस चले ना तो मैं राज को अपने से दूर ही ना जाने। You know what, Avni? तू रात से सच्चा प्यार करती है। प्यार? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।